सो गाइज हेलो एवरीबॉडी, सो गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम जॉर्डन सुमित बैक अगेन विद अ वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज अभी जब जा रहे हैं जिम राजनामा साथ में, तो भाई जब भी मैं राजनामा के साथ में जाता हूँ तो बारिश जरूर पड़ जाती है, समझ रहे हो? पता नहीं क्या कनेक्शन है। और देखो आज मैंने ही पूरा ब्लैक पहना है, मैंने पूरा ब्लैक पहना है। बारिश कुछ बारिश हो रही है ना जी, तो चलते हैं आज हैवी करके चेस्ट लाएंगे, एम करेंगे 90 केजी उठाएं बेंच प्रेस पे, और बाकी नॉर्मल एक्सरसाइज जो भी रहेंगे वो दिखा देंगे आप लोगों को। बाकी पैदल पैदल जा रहे हैं गाइस, इतने गरीब हो चुके हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि हम एक कार खरीद लें और जिम जाए, ठीक है? चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से आगे जाके। गाइस मैं सोच रहा था हल्के हल्के बारिश पड़ते रहेंगे, हल्के हल्के पहुँच जाएंगे, बारिश इतनी तेज आ रही है, बहुत तेज, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जाएं या वापस जाएं या जिम जाएं, और हम रुकने वाले कहाँ हैं यार ऐसे वी गो जिम। मिलते हैं आप लोगों से जिम पहुँच के। बाकी प्री वर्कआउट ले लिया है अच्छे से, केले सेब बाहर से इतना फ्रेश लग रहा था, अंदर से काटा उसी की तरह निकला बिल्कुल, समझ रहे हो? नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, जब तक अंदर से ना देख लो वही तो बाकी एक आलू का पराठा था, आलू का पराठा आधे खा पाया, खाया नहीं गया। तो गाइस पहुंच चुके हैं जिम, देख लो कितनी भीड़ लगी जाती है, तुम्हारे भाई के चक्कर में भीड़ आ रही है आजकल जिम में। सबसे पहले रोटेटर कर्ल्स कर लेते हैं अपनी ग्रिप की वजह से, ताकि अपने जो अपर शोल्डर है डेल्टॉइड्स वगैरह अच्छे से खुल जाए, और अच्छे से जो अपने बेंच प्रेस वगैरह परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले रोटेटर एक्सरसाइज डायनामिक स्ट्रेचिंग की हो जाएगी, और थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, और अपने जो ये फ्रंट डेल्टॉइड्स है उसको भी वार्म अप कर लेते हैं। चलो फ्री रॉड के साथ बहुत सारे रेप्स निकालना, उससे आपका अपर चेस्ट जो अच्छे से वार्म हो जाएगा और खुल जाएगा, अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों पहले रैक में लगाएंगे 60 केजी, ठीक है? 60 केजी रैक निकालेंगे, 8-9 रैप्स।
ये था अपना डेडली कॉम्बिनेशन, इससे आपका अपर चेस्ट है और मिडिल चेस्ट है, दोनों पे साथ में पंप आएगा और बहुत अच्छा लोड बनेगा। तो देख लेना कैसे लगाना है, इंक्लाइंड बेंच और इंक्लाइंड बेंच भी फ्लाई लगा लेना। और थैंक यू मत बोलना, ठीक है। तो गाइस अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है पैरेलल बार डिप्स, जिसमें लगेंगे 3 सेट, कोशिश करेंगे फिर देर तक लेके जाए। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो। मेक श्योर करना जब भी इस चेस्ट वर्कआउट को फॉलो करो तो उससे पहले प्री वर्कआउट में, मतलब कि प्री वर्कआउट मील में काफी अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कोई भी एनर्जी गिविंग फूड खा के आना, जैसे एप्पल बनाना या फिर ओट्स खा के आ सकते हो। अभी हो चुका है वर्कआउट कंप्लीट, जिम वगैरह बंद कर देता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से घर पहुँचकर। अंडे भी खत्म हो चुके हैं, अभी अंडे की लेके आनी है एक, और बहुत सारा सामान है डाइट का वो भी लेके आना है। तो आप लोगों से घर पहुँच के मिलता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट वर्कआउट के बाद मैं घर पे गया, मम्मी ने बोला सब्जी मंडी जाना है, तो अभी मम्मी सब्जी वगैरह ले रही हैं और मैंने कोई मील वगैरह कोई नहीं लिया, भूख लग रही बड़ी तेज। मम्मी बहुत देर लगाने वाली है, आप लोगों को पता है सबकी मम्मी बहुत देर लगाती शॉपिंग वगैरह करने, तो देखते हैं वेट करेंगे और घर पे जाके अंडे वगैरह खाएंगे, ठीक है। अभी अंडे की रेट भी लानी है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मम्मी ने मेरे को एक लालच दिया था कि जल्दी जल्दी चलते सब्जी मंडी, वहाँ पे मैं तेरे को बिरयानी खिलाऊंगी, वेज बिरयानी, उसमें बहुत सारे सोयाबीन वगैरह होंगी, बहुत टेस्टी होती है, कार्ब्स और प्रोटीन दोनों मिल जाएगा। देखते हैं मम्मी खिलाती हैं, प्याज भी डाल देना। तो गाइस मैं अभी घर पे मम्मी को छोड़ आया हूँ, बिरयानी के पैसे मिल गए, खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। गाइस मैंने इसमें बहुत सारे सोयाबीन डलवा लिया था, प्रोटीन भी और कार्ब्स भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो गाइस बिरयानी बिरयानी सब कुछ खा लिया, अभी चलते हैं अंडे रेट लेने, अंडे ही रेट लेंगे घर पे जाके उसको बॉईल करके फिर खाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और बताओ भैया क्या हाल है, दे दो ना एक क्रेट। क्या रेट है, पिछले वाले अंडे बहुत तगड़े थे, मजा आ गया। तो गाइस आ चुकी है अपने अंडे क्रेट, तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, अगर आप एक नए व्यूअर हो तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे विद, स्टे हेल्दी, peace।